देख रहे हैं राष्ट्र आजकल और मैं हूं आपके साथ कंचन राय। आइए करते हैं रुख खास खबर की ओर। नगर परिषद ने फायर ब्रिगेड खरीदकर क्षेत्र को दी बड़ी सौगात। नगर परिषद को फायर ब्रिगेड की सौगात दी। राज्य मंत्री राव ब्रजेंद्र सिंह यादव ने फायर ब्रिगेड को हरी झंडी दिखाई और कहा कि तहसील के हिसाब से एक बड़ा क्षेत्र भी है। इस क्षेत्र में करीब 105 गांव लगते हैं। इतने बड़े क्षेत्र में किसी न किसी गांव खेत पर कहीं भी ऐसी घटना होती रहती है, जैसे कहीं भी आग लगना या अन्य ऐसी घटनाएं जिसमें फायर ब्रिगेड की ज़रूरत पड़ती थी, तब मुंगावली या चंदेरी अशोकनगर से बुलानी पड़ती थी। इतनी दूर से आने में देरी हो जाने से घटना घट जाती थी, पर अब क्षेत्र को इसका बड़ा फायदा होगा। अगर क्षेत्र में ऐसी कोई घटना घटती है जिसमें फायर ब्रिगेड की ज़रूरत पड़ी तो इसका लाभ क्षेत्र को तुरंत होगा। इस मौके पर CMO विनोद उनितान, बाबू महेश्वर शर्मा सहित नगर परिषद के कर्मचारी उपस्थित थे, जिसमें मंडल उपाध्यक्ष दिनेश जैन डब्बू, चौधरी ब्रजेंद्र यादव, मंडल महामंत्री प्रदुमन जैन, महेंद्र सिंह, केशोपाल सहित वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। इस दौरान मंत्री राव ब्रजेंद्र सिंह यादव द्वारा नगर परिषद द्वारा जन सुनवाई कर लोगों की समस्या हल की गई एवं कुछ लोगों को राशन की पात्रता पर्ची वितरण की गई। क्यों है? सबसे पहले उनको 2 दिन के अंदर ये व्यवस्था करो कि उनको खाद उपलब्ध हो जाए और जिनका नगद वितरण होना है उनको नगद की व्यवस्था कराएं। ये 2 मैंने आज सख्त निर्देश दे दिए हैं कि जितने जल्दी हो सके संभव, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम कल से खाद, कल अपने यहाँ रैक लग रही है खाद की, और चूंकि खाद तो अपने पास उपलब्ध है, और सभी किसान भाई सुन लें, अगर कोई कहता है कि किसान रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।